में पतझड़ का मौसम ढलने लगा है। पहली नजर में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन आसपास काफी हलचल है। खाने की एक और खेप आ गई है, इन्हें बाद के लिए जमा कर लिया जाएगा, लेकिन इन पर किसी की नजर है। कौवा पहले गिलहरी को सारी मशक्कत कर लेने देता है और फिर खुद उसका फायदा उठाता है। चाहे जैसे भी हो, पार्क में ताजा नट्स आते ही रहते हैं, लेकिन कुदरत में इन्हें जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऑस्ट्रिया के ग्रास शहर के इस हिस्से में इनके आने जाने का सबसे अच्छा तरीका है पेड़ों के हाईवेज का इस्तेमाल। ये इन्हें इनके पहले घर यानी जंगल तक पहुंचा देती हैं। ये अपने नेस्ट यहां बनाते हैं, जंगल के कई शिकारियों से सुरक्षित ठिकाने पर। जंगल साल भर इनके खाने का पक्का इंतजाम करता है। एक डार्क ग्रे स्क्विरल अपनी बहन के साथ स्प्रूस के पेड़ पर बस गई है। अपने पांच भाई बहनों में से यही दो गिलहरियां 8 महीने तक जिंदा हैं। ये घोंसला यानी ट्रे बना रही हैं, जो सर्दी में दोनों के काम आएगा। पतझड़ के मौसम में मध्य यूरोप के मिले जुले जंगल बड़े बड़े स्टोर रूम्स बन गए हैं। जंगल के किनारे मौजूद ओक के पेड़ों से सिर्फ एक औंस ही काम नहीं आते, गिलहरियां इसकी छाल भी खा सकती हैं और सूखी टहनियों के अंदर उगे फंगस को भी। यूरेशियन गिलहरियां कई रंगों की हो सकती हैं, भूरी, काली या ग्रे, लेकिन ये ज्यादातर लाल रंग की होती हैं। जाड़े के मौसम की तैयारी में गिलहरियां अपना वक्त खाना जमा करने और छिपा कर रखने में बिताती हैं, बशर्ते कोई इन्हें तंग ना करे। दिन के समय निकली लोमड़ी जरूर भूखी होगी। चोरी में माहिर जे भी यहां आ गया। आपने खाना चाहे जहां भी छिपाया हो, ये ढूंढ लेगा। लेकिन सबके लिए काफी खाना है। गिलहरी बहनें आने वाली सर्दी के लिए अपना घर तैयार कर रही हैं। ये जंगल की जमीन पर मौजूद मॉस और घास लेकर अपने ट्रे में पहुंचा रही हैं। ये सही टुकड़ों को काटकर करीने से लगाती हैं। और अच्छी तरह देखती हैं कि कहीं कोई परजीवी तो नहीं है, क्योंकि वो जाड़े में जानलेवा हो सकते हैं।
एक ऊपर एक नीचे, बिल्कुल सही टीम वर्क। कानों पर बालों के गुच्छे यूरेशियन गिलहरियों की खासियत है। ये बाल पतझड़ में उगते हैं और बसंत में गायब हो जाते हैं। साल के अलग अलग समय में गिलहरियों का रंग बदल सकता है, खासकर जब उनके सर्दियों वाले घने बाल उगाते हैं। ये अपने शरीर में चर्बी नहीं जमा कर सकती, इसलिए इनके नेस्ट में ठंड से बचने का पक्का इंतजाम होना चाहिए। बर्फीली हवा, जाड़े की पहली बर्फ, अब ब्रेन है गर्म रखेगा। ये लगातार कई दिनों तक अपने घर में ही दुबकी रहती हैं, पतझड़ में जमा खाने के लिए ही बाहर आती हैं। ये बर्फ जंगल के जानवरों को धीमा होने पर मजबूर कर देती है ताकि वो अपनी ऊर्जा बचा सके। पतझड़ में जमा किया हुआ खाना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये गिलहरी एक ज्यादा लंबे सफर पर निकल पड़ी है। कई बार ताजा खाना ही भाता है। ऐसा लग सकता है कि ये किसी और के लिए है। परिंदों के लिए दाना रखने वाले लोग जाने अनजाने में गिलहरियों की भी मदद करते हैं। बर्ड फीडर अब गिलहरियों का नया ठिकाना बन गया है और ये शर्माती नहीं है। इससे पता चलता है कि कभी कभार कैसे स्प्रूस के जंगल के बीच अखरोट के पेड़ मिल जाते हैं। जहां गिलहरी होगी वहां जे भी होगा। फरवरी में सबसे ठंडे दिनों में धूप की गर्माहट मिलती है। बर्फ से ढकी जमीन पर बने निशानों से गिलहरी की मौजूदगी का पता चलता है। चाहिए तो स्प्रूस के पेड़ के नीडल्स चबा लो। रेड क्रॉस बिल ने कोन्स पर थावा बोल दिया। जाड़े के मौसम में स्प्रूस के पेड़ परिंदों और गिलहरियों को एनर्जी देने में अहम भूमिका निभाते हैं। दो गिलहरियां क्रॉसबिल की नकल करके कोन और बीजों से पेट भर रही हैं। हमारी दो बहनें भी खाना ढूंढने के लिए नेस्ट से निकल पड़ी हैं। बैंक पोल्स सर्दी के मौसम में मोटी बर्फ के नीचे सही सलामत छिपे रहते हैं, लेकिन अब ये धूप की गर्माहट लेने निकल आए हैं। शायद गिलहरियां नीचे मौजूद अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ छोड़ दें। बैंक वोल्स यूरोप के सबसे आम जानवरों में से एक हैं। जो लगभग गिलहरियों के इलाकों में ही रहते हैं।
गाना भी उनसे मिलता जुलता है। बर्ड फीडर के आसपास माहौल कुछ अलग है। नर गिलहरियां पेड़ों पर एक दूसरे को खदेड़ रहे हैं। ये मादा के फेरोमोन से खींचे चले जा रहे हैं। हर नर की चाहत है कि वो मिलन करे और प्रतिद्वंद्वियों को यहां से खदेड़ दे। आखिरकार मादा भी आ गई। इसने रुककर खुद को संवारा। इसके पास वक्त है, बस नरों को जल्दी है। लेकिन इस नर ने अपने हाव भाव से इसे रिझा लिया है। अब ये इसका पीछा कर रहा है, जिससे ये ओव्यूलेट करने लगेगी। आखिरकार इनमें मिलन होगा। नाकाम नर देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मिलन की ये भागदौड़ 3 घंटे तक चल सकती है। मादा 40 दिनों के बाद बच्चों को जन्म देगी। उस समय तक ये नर से दूर हो जाएगी। वयस्क गिलहरियां अकेली ही रहती हैं। पाइन के पेड़ की अपनी टहनी से एक गॉसहॉक सब पर नजर रख रहा है। बसंत की बर्फ में चूहे के लिए कुछ खाना है। और गॉसहॉक के लिए भी। ये शिकार पर निकल पड़ा, खामोश, सबकी नजरों से दूर और जानलेवा भी। बसंत में बर्फ पिघल रही है और बर्ड हाउस के पास रहने वाली मादा जल्दी ही मां बनने वाली है। ये भूखी भी है। जंगल के सभी जीवों को जोड़ने वाली सर्दी का अंत हो रहा है। शिकारी और प्रतिद्वंद्वी पूरी ताकत से सक्रिय हो गए हैं। उनमें गॉसहॉक्स भी हैं। गर्भवती मादा ने खाने के आखिरी भंडार का जायजा लिया। आसपास गॉसहॉक की मौजूदगी में यह जोखिम भरा काम है। मिल गया, ये जे को मिल गया है। समय बहुत कम है।
परिंदे ने गिलहरी को समय रहते आगाह कर दिया। ये भूखी छोटी गिलहरी दोनों बहनों में से एक है। इसका पहला बसंत ही आखिरी साबित हुआ, जहां गिलहरियां होंगी वहां गोसहॉक्स भी होंगे। क्रिसमस रोजेस, प्रिम रोजेस और जल्दी खिलने वाले कुछ और फूल रंग बिखेर रहे हैं। बसंत के साथ जीवन लौट आया है। यहां सैकड़ों हजारों टोट्स हैं। ये मिलन करने और अंडे देने के लिए झीलों और तालाबों में जमा होते हैं। नरों का आकार छोटा होता है और वो मादाओं से चिपक जाते हैं। ये पानी की सतह के नीचे जाकर 12 घंटे तक मिलन करते हैं। मादाएं अंडों की एक दोहरी लड़ी देती हैं। ये एक बार में 5,000 से 6,000 अंडे देती हैं, जिन्हें नर अपने वीर्य से फर्टिलाइज कर देता है। पानी और जमीन पर नई जिंदगी के रंग दिखने लगे। एक ब्लू टेट किसी वुड पेकर के घोंसले का जायजा ले रही है, लेकिन घुसने के बड़े रास्ते की वजह से यह सुरक्षित नहीं। नट हैचेस के एक जोड़े ने भी इसे आजमाया। घर के मालिक को यह अच्छा नहीं लग रहा। एक नट हैच ने पास के नाले से चिकनी मिट्टी लाकर इसमें घुसने के रास्ते को छोटा करना शुरू कर दिया। बहुत हो गया। नट हैचेस टेट्स से बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन ये वुड पैकर्स की तरह चोंच मार सकते हैं। इसका मतलब है झमेला। वुड पैकर ने नट हैचेस के काम को बर्बाद कर दिया। नट हैचेस ने जवाबी हमला किया। ये जीतने तक हार नहीं मानेंगे। गर्भवती गिलहरी ने बच्चों को जन्म दिया है। नवजातों का वजन 20 ग्राम से भी कम है। पैदाइश के समय गिलहरियों के शरीर पर बाल नहीं होते। इनकी आंखें भी 4 हफ्ते बाद खुलेंगी। छिपा कर रखे हुए जो बीज खाए नहीं गए, बसंत में उनसे पौधे उगाते हैं और गिलहरियों की अगली पीढ़ियों को उनसे खाना मिलता रहेगा। माँ अब अपने नेस्ट के पास ही खाना ढूंढ रही है। गिलहरी एक बार में 7 बच्चों को जन्म दे सकती है,
जो पूरी तरह माँ पर निर्भर होते हैं। पहले 4 हफ्तों तक बच्चों का एक ही काम है, अपनी माँ का दूध पीने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढना। बाहर की हर आवाज पर इसके कान लगे हैं। ये जे है जो अच्छे वक्त में भी परेशान करने वाला पड़ोसी है। अब ये परिंदा खतरनाक साबित हो सकता है। जे इसको किसी खाने से कोई परहेज नहीं और गिलहरी के बच्चे आसान शिकार साबित होंगे। माँ ने अपने बच्चों के साथ खुद को मॉस के काफी अंदर छिपा लिया। जब ये कोटर से निकलेगी तो बच्चे यहां सही सलामत छिपे रहेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। मां फिर से अपना दमखम जुटाने के लिए आसपास मौजूद खाने की जगहों पर अक्सर जाती रहेगी। बच्चे 20 दिन के हो गए हैं और तेजी से विकसित हो रहे हैं। इनकी आंखें अब भी बंद हैं, लेकिन अब ये ज्यादा सक्रिय रहने लगे हैं। को अभी और 7 हफ्तों तक इनका पेट भरना है और परजीवियों से हिफाजत करनी है। सुकून से बैठी है या थककर, शायद दोनों। और अब फिर से काम शुरू। जंगल के सभी जीवों को अब अपने बच्चों का पेट भरना है। और ये बात रात और दिन के शिकारियों पर भी लागू होती है। बीच मार्टिन्स, रात में निकलने वाले इन माहिर शिकारियों को किसी खाने से परहेज नहीं। ये सब कुछ खा सकते हैं, खासकर चूहे और छोटे रोडेंट्स। गिलहरियां भी आसपास रहती हैं, लेकिन ये ऊंचे पेड़ों पर सुरक्षित हैं। बीच मार्टिन को एक चूहे की गंध मिली। एक खामोश हत्यारा। एल्प्स के निचले हिस्सों में यह सुबह का वक्त है। ऊंचे पेड़ों से ब्लैक ग्राउस रवाना हो गए। जंगल जहां मैदानों से मिलते हैं,
वहां सुबह नरों के बीच ये मुकाबला होता रहता है। लेकिन सूरज उगने पर ग्राउस पेड़ों पर लौट गए और अब यहां हिरणों की आजमाइश चल रही है। आसमान में एक ईगल मंडरा रहा है। इसका इलाका जंगल के साथ साथ पहाड़ों के नीचे तक फैला हुआ है। स्प्रूस के पेड़ गिलहरियों के लिए अगली सर्दी के खाने के इंतजाम में लग गए हैं। और बीच मार्टिन अब भी जंगल में गश्त लगा रहे हैं। गिलहरियां सुबह ही सक्रिय हो गई हैं। जंगल की जमीन पर बिखरे हुए फर कोन्स, ये मार्टिन की मौजूदगी की पहचान है। समतल जमीन पर मार्टिन का पलड़ा भारी है। लेकिन पेड़ पर पहुंचकर गिलहरी तेजी से आगे निकल जाती है। अगर ये बीच मार्टिन की जगह पाइन मार्टिन होता तो गिलहरी नहीं बच पाती। लेकिन बीच मार्टिन कुछ मीटर चढ़ने के बाद हार मान लेता है। अब जंगल में नए जीवन की भरमार है और आज सॉन्ग थ्रश को नुकसान हो गया। गिलहरियों को भी किसी खाने से परहेज नहीं और परिंदों के अंडे तो प्रोटीन का बढ़िया स्रोत हैं। थ्रश फिर से अंडे देगी लेकिन गिलहरी दोबारा आ सकती है। इसे चूसे भी उतने ही अच्छे लगते हैं जितने अंडे। जंगल की जमीन पर एक एस्क्यूलेपियन सांप निकल आया। इस गिलहरी मां के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। इस बार ऊंचाई भी इन्हें नहीं बचा सकती। यहां से निकल जाना चाहिए। मां जैसे ही बच्चों को पकड़ती है ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं और ये इन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा सकती है। वक्त बहुत कम है। हमेशा आसपास कोई और नेस्ट जरूर मिल जाता है। एक खोखले पेड़ के अंदर इस मां का एक और नेस्ट है। एक बच्चा अब भी खतरे में है। कामयाबी मिल गई। मां ने अपने बच्चे को सूखी घास में छिपा दिया। सांप आगे बढ़ गया।
घुसपैठिए को खदेड़ने लगा। एस्कुलेपियन सांप परिंदों के घोंसलों पर भी छापा मारते हैं। अब जे गिलहरी के नेस्ट के पास है। माँ अभी अपने ठिकाने को बेहतर बनाने के लिए एक परिंदे का घोंसला नोच रही है। जे तो कीड़े मकोड़ों की तलाश में आया है, नन्ही गिलहरियां सुरक्षित हैं। गिलहरियों के ज्यादातर ठिकानों की तरह नए नेस्ट में घुसने के दो रास्ते हैं। जंगल में कुछ उठा पटक चल रही है। यह अनोखी और डरावनी आवाज है। ये गिलहरी खतरा भागते ही क्यों नहीं भाग गई थी? ये हमारी दोनों बहनों में से एक है। ये अपने बच्चों की पहरेदारी कर रही है। स्टेरियन हिल्स में एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर। जंगल में काम करने वाले लोगों को मिली नन्ही गिलहरियों को यहां पनाह मिलती है। एक महीने के इन बच्चों को खास देखभाल की जरूरत है, लेकिन इनके बचने की काफी संभावना है। बड़े होने पर इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन में गिलहरियों को पकड़कर मार दिया जाता है। यहां ईस्टर्न ग्रे स्क्विरल्स को नुकसान पहुंचाने वाला जीव मानते हैं। ये रेड स्क्विरल्स से बड़ी होती हैं। 19वीं सदी के अंत में यहां के कुछ सामंत इन्हें अमेरिका से इंग्लैंड ले आए थे। वो एक नए विदेशी आकर्षण से पार्कों में नई जान डालना चाहते थे। लेकिन ग्रे स्क्विरल्स अपने लाल रंग वाले रिश्तेदारों के लिए मौत और तबाही लेकर आई थी। वे ज्यादा बड़ी और ताकतवर हैं और सर्दी के मौसम के लिए अपने शरीर में चर्बी जमा कर सकती हैं। और इनमें एक वायरस भी होता है जो रेड स्क्विरल्स के लिए जानलेवा है। इंग्लैंड और वेल्स में ईस्टर्न ग्रे स्क्विरल्स ने लगभग पूरी तरह रेड स्क्विरल्स की जगह ले ली है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड में भी इनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। इनकी पूंछ की छोर का रंग सफेद होता है और कानों पर बाल नहीं होते। ग्रे स्क्विरल्स की बदनामी उस वक्त और बढ़ गई जब पता चला कि ये पेड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं।
कई लोग इन्हें पेड़ पर रहने वाले चूहों जैसा मानते हैं। इनका बड़े पैमाने पर शिकार की एंगलसी वेल्स के तट पर एक खूबसूरत टापू। दो पुल इस टापू को मुख्य भूमि से जोड़ते हैं। जीव जंतुओं के बचाव में लगे लोगों ने यहाँ ग्रे स्क्विरल्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है और अब एंगलसी पर रेड स्क्विरल्स का राज है। ये पूरे ब्रिटेन में रेड स्क्विरल्स की तादाद फिर से बढ़ाने के अभियान का पायलट प्रोजेक्ट है। यहाँ खाने के लिए किसी से कोई मुकाबला नहीं है और स्थानीय गिलहरियों को खत्म करने वाला कोई वायरस भी नहीं है। यहाँ इनका ख्याल रखा जाता है, खाना दिया जाता है और हिफाजत भी की जाती है। दोनों पुलों के आसपास फंदे लगे हुए हैं ताकि ग्रे स्क्विरल्स वापस ना आ सके। नतीजे देखने के लिए नियमित गश्त लगाई जाती है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स ब्रिटेन और पूरे यूरोप में रेड स्क्विरल्स के लिए शायद आखिरी उम्मीद हैं। ग्रे स्क्विरल्स अब उत्तर में इटली से आगे बढ़ रही हैं और एल्प्स को पार करके ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड तक जा सकती हैं। घुसपैठ की रोकथाम करना यूरोप के कंजर्वेशनिस्ट्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बीच ऑस्ट्रिया में नेस्ट में मौजूद चार नन्ही गिलहरियां लगभग 2 महीने की हो गई हैं और काफी उछल कूद मचाने लगी हैं। इन्हें अपने दांतों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। इनके ऊपरी और निचले इंसाइजर्स उगाए हैं। ये लगातार खाने पर या एक दूसरे पर अपने दांतों की तेजी आजमाती रहती हैं। सबसे सासी बच्चा अपनी मां की देखरेख में बाहर की दुनिया में पहला कदम रखने लगा है। जल्दी ही इन नन्ही गिलहरियों को अपने बूते पर रहना होगा। तब तक मां इनकी हिफाजत के लिए मुस्तैद रहेगी। और भागने वालों को नेस्ट की हिफाजत में वापस लाएगी। इसके बाद काटने और चबाने के और सबक की बारी है। हेजल नट्स से निपटने के लिए बस इसी की जरूरत है। मां जब खाना ढूंढने के लिए निकलती है तो बच्चे ज्यादातर घर में ही रहते हैं। यह बहुत बोरिंग है। सुबह की उछल कूद से थकान हो जाती है और नन्ही गिलहरियां सो रही हैं। मां भी घने बालों वाली पूंछ से खुद को ढककर झपकी ले रही है। एक ईगल शिकार पर निकला है। पेड़ों से काफी ऊपर पहाड़ पर मौजूद इसके घोंसले में इसके बच्चे को मां का इंतजार है। यह नन्ना ईगल भूखा है, बहुत भूखा।
खाने में एक खास चीज है, एक गिलहरी। ईगल को जहां एक बार शिकार मिलता है वहां वो बार बार लौटता है। जब तक शिकार खत्म ना हो जाए। जिस माँ के बच्चे सांप से बाल बाल बचे थे, अब वो उन्हें टहनियों पर अपनी पकड़ बनाते हुए देख रही है। कम से कम एक बच्चा तो कोशिश कर रहा है। माँ को तीनों का पेट भरना है। लेकिन ये जल्दी ही आत्मनिर्भर हो जाएगा। अभी के लिए तो बहुत हो गया। परिवार फिर से नेस्ट में जमा हो गया। ये बर्ड फीडर वाली मां है। इसके बच्चे अब अपने बूते पर रहने लगे हैं और ये फिर से गर्भवती है। मादाएं साल में दो या तीन बार भी बच्चे दे सकती हैं। गर्मी में पैदा होने वाले बच्चों को पालना बसंत वाले बच्चों से कम मुश्किल नहीं होता। इसके बच्चे अब अकेले ही जंगल का जायजा ले रहे हैं। ये उनसे बहुत कम मिलती है। वो अपने रोमांचक अभियानों पर निकल रहे हैं क्योंकि यहां दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। अगर ये इस बार सर्दी तक सही सलामत रह पाए तो अगले बसंत में स्टीरिया के जंगलों में रेड स्क्विरल्स की एक और सेहतमंद पीढ़ी नजर आएगी।